Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing dynamics part 5. अभी तक हमने ये सारे के सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और हर सब टॉपिक के साथ मैंने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो भी मेंशन की हुई है। तो अगर आपसे कोई सब टॉपिक नहीं हो रहा या आपसे कोई सब टॉपिक मिस हो गया, यू कैन वॉच दीज कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियोस। इन टुडेज वीडियो वी विल बी डूइंग ब्रेकिंग, थिंकिंग एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो या Stay tuned. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's start. Thinking distance. The distance a moving vehicle travels during the reaction of the driver before applying the brakes. Sabse pehle, main aapse ye puchunga, have you heard of the term reaction time? It is the time it takes for a person to react to something after perceiving it. It can be from 0.15 seconds all the way to 0.25 seconds. It can be audio related, visual, or sensory. How can it be audio related? Let's say, for example, meri mama mujhe bulati hai very urgently and she asks for something. The time it takes for me to respond will be the reaction time, and it will be from 0.15 seconds to 0.25 seconds. अभी मैं आपको सिर्फ examples दे रहा हूँ, you don't have to remember these. अच्छा, अब हम आ जाते हैं on to visual. Let's say एक बंदा आता है and he has a knife in his hand and he is coming towards me. The time it takes for me to realize that ये बंदा आ रहा है मेरी तरफ and he probably doesn't have good intentions, and the time it takes for me to start my act and run away will be the reaction time, and it will be from 0.15 seconds to 0.25 seconds. How can it be sensory? Let's say मैं जाता हूँ in my kitchen, ठीक है? Kitchen में मेरा खाना पक रहा है on a frying pan. मैं गलती से frying pan पे हाथ लगा लेता हूँ. The time it takes for me to take my hand off the frying pan will be the reaction time, and it will be from 0.15 seconds all the way to 0.25 seconds. अब हम आ जाते हैं ऑन टू दिस एग्जाम्पल. ये गेम आपने कभी ना कभी तो देखी ही होगी ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टिकटॉक, जिसमें हमारे पास एक स्टैंड होता है और स्टैंड के ऊपर काफी ज्यादा पोल्स अटैच्ड है. दीज पोल्स रैंडमली फॉल डाउन एंड द कंटेस्टेंट हैज टू कैच एज मेनी एज ही कैन. अगर हमारे कंटेस्टेंट का रिएक्शन टाइम कम होगा, इफ ही कैन रिएक्ट फास्ट इनफ He will catch all of them. अगर उसका reaction time ज्यादा होगा, if he takes too long to react, he will catch none. So yeah, that's an example of reaction time and reflexes. अगर मैं आपको एक और example दूं, let's take Olympics for example. अभी अभी हुए हैं. Olympic में हमारे पास एक sport होता है, which is known as the 100 meter dash. And to start that race, हमारे पास एक बंदा होता है that fires the gunshot. और जैसे ही कंटेस्टेंट्स, जैसे ही रनर्स उस गनशॉट की आवाज सुनते हैं, दे बिगिन टू मूव, दे बिगिन टू रन. सो या ये एक और चीज है जो आपके रिएक्शन टाइम को टेस्ट करती है. जितनी जल्दी आप उस गनशॉट की आवाज पे रिएक्ट करोगे, उतना ही तेज आपका रिएक्शन टाइम होगा. सिमिलरली इफ यू टॉकिंग अबाउट थिंकिंग डिस्टेंस, अगेन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ. लेट्स से हम एक गाड़ी पे जा रहे हैं, यू आर ड्राइविंग, और हमारी स्पीड है 15 मीटर्स पर सेकेंड. अचानक से हमारे सामने एक बंदा आ जाता है. इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू एज अ ड्राइवर, आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपका रिएक्शन ये होना चाहिए दैट यू इंस्टेंटली प्रेस द ब्रेक्स, राइट, ताकि इस बंदे की भी जान बचे और आपकी गाड़ी का भी नुकसान ना हो. इस दौरान, जिस दौरान आप ये सब सोच रहे होते हो, यानी कि योर रिएक्शन टाइम, इस दौरान भी आपकी गाड़ी मूव कर रही होती है एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड. क्योंकि ड्यूरिंग योर रिएक्शन टाइम ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी गाड़ी टाइम में फ्रीज हो जाए. सो या योर रिएक्शन टाइम वाज फ्रॉम 0.15 टू 0.25 सेकेंड्स. तो जितना भी हमारी गाड़ी ने डिस्टेंस गेन किया है इन दिस टाइम फ्रेम, दैट विल बी द
थिंकिंग डिस्टेंस, अगर आपने कैलकुलेट करना हो, वी कैन डू दैट. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड 15, डिस्टेंस निकालना है, टाइम लेट्स से 0.2 है फॉर एन एवरेज, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 meters फॉर द थिंकिंग डिस्टेंस. अब आपको समझ आई व्हाट द थिंकिंग डिस्टेंस इज? इज द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस यू कवर व्हाइल थिंकिंग अबाउट ब्रेकिंग, राइट. अब हम आ जाते हैं ऑन टू ब्रेकिंग डिस्टेंस. द डिस्टेंस अ मूविंग व्हीकल ट्रेवल्स ड्यूरिंग द टाइम ब्रेक्स आर अप्लाइड. अच्छा, अब ये क्या होता है? लेट्स से हमने बहुत ही जल्द ब्रेक्स अप्लाई कर दी, राइट. हमने ब्रेक्स अब अप्लाई कर दी है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हमारी गाड़ी इंस्टेंटली रुक जाएगी. हमारी गाड़ी तब भी एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करके रुकेगी. जैसे अगर आपने इस मोमेंट पे ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू की है, तो शायद यहां आके हमारी गाड़ी रुक जाए, लेकिन इट वुड नॉट स्टॉप इंस्टेंटली, एंड दिस डिस्टेंस विल बी द ब्रेकिंग डिस्टेंस. समझ आई? अब हम आगे चलते हैं. स्टॉपिंग डिस्टेंस, राइट एज द नेम इंप्लाइज, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट या अ व्हीकल बिटवीन थिंकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस. यानी के थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस. यानी के राइट फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्ट टू थिंक ऑल द वे टू द मोमेंट यू स्टॉप, राइट. ऑल द वे टू द मोमेंट दैट यू स्टॉप, ठीक है, दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस. समझ आ गई? सो ये हमारे पास तीन यू नो डिस्टेंसेज हैं, थिंकिंग, ब्रेकिंग एंड स्टॉपिंग. अगेन मैं आपको ये एक समराइज तरीके में समझा देता हूं. अगेन अपने आप को एक सिनेरियो में इमेजिन करें जिसमें आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने सडनली एक कंस्ट्रक्शन जोन आ जाता है. जैसे ही आप उस कंस्ट्रक्शन जोन को देखते हैं, ऑफ कोर्स दो तीन सिनेरियोस आपके दिमाग में प्ले होते हैं कि इफ आई कीप गोइंग इन दिस डायरेक्शन मेरा कोई पुलिस चलान काट सकता है, या आई माइट क्रैश इनटू सम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मेरा किसी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के साथ एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा किसी बंदे के साथ एक्सीडेंट हो सकता है. सो इट इज बेटर फॉर मी टू अप्लाई द ब्रेक्स, राइट. इस दौरान जिस दौरान आप ये सब सोच रहे होते हो, आपकी गाड़ी तो मोशन में ही है, राइट. आपकी गाड़ी तो तब भी मूव कर रही है. सो इन दैट टाइम पीरियड जितना भी आपकी गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया, दैट विल बी योर थिंकिंग डिस्टेंस. अब हम आ जाते हैं ऑन टू ब्रेकिंग डिस्टेंस. इमेजिन करो दिस इज योर थिंकिंग डिस्टेंस, एंड इन दिस डिस्टेंस ऑफ कोर्स हम सिर्फ सोचते हैं, वी डोंट अप्लाई द ब्रेक्स. लेकिन आफ्टर थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग द ब्रेक्स, हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं. ऑफ कोर्स जैसे ही आप ब्रेक्स को अप्लाई करोगे, सडनली गाड़ी नहीं रुक जाएगी. योर कार विल ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, एंड आफ्टर दैट सर्टेन डिस्टेंस योर कार विल स्टॉप, राइट. सो या दैट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, द डिस्टेंस अ मूविंग व्हीकल ट्रेवल्स ड्यूरिंग द टाइम ब्रेक्स आर अप्लाइड. आगे हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, इट इज द एडिशन ऑफ थिंकिंग प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस. So yeah, that is the stopping distance, your total thinking plus braking distance. Yani ke from the moment you start to think about braking till the end, yani ke till stopping, that is the stopping distance. Ye hamare paas ek chota sa example bhi hai jisme gaadi ja rahi hai aur us gaadi ke samne ek banda aa jata hai. Is point pe aake gaadi wale ne hazard ko detect kar liya. Usne ye dekh liya ki mere samne ek banda hai. From this point is the thinking distance या reaction distance. जैसे मैंने आपको बताया था, after the thinking distance, the brakes are applied. तो इस point पे आके the brakes are applied, and यहां से लेके यहां तक is the braking distance. So yeah. और अगर हम ये बात करें, what is the stopping distance? It is the whole distance, thinking plus braking. अब हमारे पास आ जाता है, what can affect thinking distance? सबसे पहले आप ये सोचें, आपके reaction time को क्या क्या चीजें affect कर सकती हैं? Lack of sleep, अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई हुई, तो of course आपका reaction time
बहुत ज्यादा होगा, इट विल टेक यू मच लॉन्गर टू रिएक्ट, क्योंकि आपकी फुल कॉग्निटिव एबिलिटीज एक्टिव नहीं है, राइट? खुद भी आपने देखा होगा कि जब आपकी नींद नहीं पूरी हुई होती, यू टेक अ लॉट लॉन्गर टू रिएक्ट एंड यू कैन नॉट डू एनी थिंग विद 100% अटेंशन. आगे, अल्कोहल कैन हिंडर डिसीजन मेकिंग. ये आपने सारे मूवीज सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि अल्कोहल या ड्रंक ड्राइविंग कैन बी वेरी फेटल, इट कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि अल्कोहल कैन हिंडर डिसीजन मेकिंग, यानी कि इट कैन इंक्रीज थिंकिंग डिस्टेंस एंड इट कैन स्लो डाउन योर रिएक्शन एंड इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम. ठीक है, आगे हाई स्पीड. हाई स्पीड नेसेसरीली डजंट इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम जो आपको था वो ही रहेगा. इट वॉज फ्रॉम 0.15 टू 0.25 सेकेंड्स. द रिएक्शन टाइम स्टेज द सेम. बट द थिंग इज, अगर आपकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, योर थिंकिंग डिस्टेंस विल गो अप. व्हाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. हम एक सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें हमारी स्पीड 60 है, और एक हम ले लेते हैं जिसमें हमारी स्पीड है 100. दोनों को इस फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं. स्पीड 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम हम ले लेते हैं अगेन 0.2 सेकेंड्स. 0.2 दैट विल बी, आई बिलीव, लेट्स से 60 इनटू 0.2 विल बी 12 मीटर्स, राइट? तो हमारे पास थिंकिंग डिस्टेंस यहां 12 मीटर्स आ गया. अब हम कर लेते हैं द सेम थिंग विथ 100 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड हमारे पास है 100, थिंकिंग डिस्टेंस हमने निकालना है, टाइम हमारे पास सेम 0.2 सेकेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन टाइम पे कोई असर नहीं पड़ता, थिंकिंग डिस्टेंस पे पड़ता है. तो सेम इक्वेशन हमारे पास यहाँ 0.2 है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दैट विल बी 20 मीटर्स फॉर द थिंकिंग डिस्टेंस. जैसे आप देख सकते हैं, फॉर अ हायर स्पीड हमारा जो थिंकिंग डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो हायर, एंड फॉर अ लोअर स्पीड हमारा थिंकिंग डिस्टेंस इज लोअर. इसलिए आपके अम्मी अबू आपको बोलते हैं कि यू शुड ड्राइव स्लोली व्हेन यू आर बिगिनिंग. वैसे भी आपको इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपको उतनी तेज गाड़ी चलानी चाहिए जिसमें आपके पास गाड़ी का पूरा कंट्रोल हो. आगे टायर्डनेस. टायर्डनेस कैन कम इन द फॉर्म ऑफ लैक ऑफ स्लीप, या अगर आप किसी भी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग से फटीग्ड हो, यू शुड अवॉइड ड्राइविंग, क्योंकि उससे भी आपका डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकता है. विजिबिलिटी, आपने अक्सर नोटिस किया होगा जब सर्दियों का मौसम आता है और जब इंटेंस फॉग आती है, आपके अम्मी अबू अगर आप लोग बाहर हो, यू ड्राइव वेरी स्लोली, राइट? क्योंकि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आपको ये नहीं पता कि आगे कुत्ता बिल्ली स्पीड ब्रेकर क्या है, राइट? तो दैट इज व्हाई इट कैन इफेक्ट योर थिंकिंग डिस्टेंस. ठीक है, द थिंकिंग डिस्टेंस इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन थिंग्स दैट कैन हिंडर योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज. आगे हम चलते हैं, व्हाट कैन इफेक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस. हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस. ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड. ठीक है, अगेन मैं एक और दफा रिपीट कर रहा हूं, जैसे हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं गाड़ी इंस्टेंटली नहीं रुकती, इट टेक्स अ सर्टेन व्हाइल फॉर द कार टू स्टॉप एंड दैट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस. अच्छा, व्हाट कैन इफेक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस. मेनली अगर हम जनरली देखें, फ्रिक्शन इज द ओनली थिंग दैट कैन इफेक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस. सबसे पहले वॉर्न आउट टायर्स. अगर आपके जो टायर होते हैं उनकी जो ट्रेड्स होते हैं, आपने देखा होगा टायर के ऊपर डिजाइन बना होता है एंड दैट डिजाइन इज टू इंक्रीज फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन इंक्रीज करके हमें क्या मिलता है, फ्रिक्शन इंक्रीज करके हमारा जो रोड के साथ ग्रिप होता है टायर का, दैट इंक्रीजेस. आप खुद क्यों नहीं सोचते हमारे टायर टोटली स्मूथ क्यों नहीं होते. हमारे टायर टोटली स्मूथ इसलिए नहीं होते क्योंकि अ टोटली स्मूथ टायर डजंट हैव एनी फ्रिक्शन विद द ग्राउंड. और अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया था
अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है द थिंग्स विल स्लिप आउट ऑफ हैंड राइट। आगे हम चलते हैं वर्न आउट ब्रेक्स इन द व्हीकल। अगर हमारी जो ब्रेक्स हैं वो टूटी पची हैं तो कोई भी किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है। जो ब्रेक पैड्स होते हैं यू शुड यू नो चेंज देम लाइक आइडियली एवरी 15,000 किलोमीटर। आगे स्लिपरी सरफेस रेन या द सरफेस इज वेट। आपके अम्मी अबू ने अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो आप गाड़ी चलाते हो तो आपको उन्होंने जरूर बोला होगा या आपके अबू को बोला होगा कि यू शुड ड्राइव स्लोली व्हेन द रोड इज वेट और व्हेन लाइक जब रेन हो रही होती है जब बारिश हो रही होती है। व्हाई बिकॉज अगेन द फ्रिक्शन विद रोड इज डिक्रीज्ड। क्योंकि रोड के अंदर जो रोड वाला पार्ट है और टायर है उसके बीच में जो पानी होता है इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट एंड दैट विल मेक द कार स्लिप। आगे कंडीशंस ऑफ द रोड। कंडीशंस ऑफ द रोड ये भी मैटर करती है क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं इफ दे आर परफेक्टली फाइन लेकिन जो रोड है दैट इज यू नो वॉर्न आउट। अगर आपकी रोड खराब है अगर आपकी रोड न्यू है द कार विल स्टॉप एट अ कॉन्स्टेंट रेट इट विल स्टॉप एट अ यू नो यूजल रेट। लेकिन अगर खड्डे वगैरह हैं ये है वो है थोड़ी सी इंक्लाइंड रोड है या थोड़ी सी डिक्लाइंड रोड है दैट कैन इफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस एज वेल। अच्छा अब हमने हर चीज डिस्कस कर ली है। हमने ये डिस्कस कर लिया है वॉट इज थिंकिंग ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। हमने ये भी डिस्कस कर लिया है वॉट कैन इफेक्ट थिंकिंग डिस्टेंस एंड वॉट कैन इफेक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस। अगर आपसे ये पूछा जाए वॉट कैन इफेक्ट थिंकिंग डिस्टेंस आपने सिर्फ ये चीजें लिखनी है जो चीजें आपके दिमाग को इफेक्ट कर सकती हैं। यू कैन राइट डाउन ड्रग्स क्योंकि ड्रग्स अगर आप कंज्यूम करते हो और आप गाड़ी चलाते हो इट कैन इफेक्ट योर माइंड। अगर आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस का देखना है आपने वो चीजें सोचनी है जो आपकी गाड़ी की फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड डिक्रीज करे यानी कि वर्न आउट टायर्स स्लिपरी सरफेस कंडीशन ऑफ द रोड। एक और हमारे पास है विच इज डिफरेंट अ लिटिल डिफरेंट वर्न आउट ब्रेक्स। सो या That is it. अब हम आ जाते हैं ऑन टू द पास्ट पेपर्स। पेपर 2-1 में जून 2020। फिगर 1.1 शोज द थिंकिंग डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर अ कार बीइंग ड्रिवन अलोंग अ ड्राई रोड एंड अलोंग अ वेट रोड एट द सेम स्पीड। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। इन वन सिनेरियो द कार इज बीइंग ड्रिवन गाड़ी चलाई जा रही है ऑन अ ड्राई रोड And in the second scenario, the car is being driven on a wet road. जैसे मैंने आपको बताया था कि road conditions can only change या affect the braking distance. और वो मैंने आपको बताया था right here. What can affect braking distance? Worn out tires, worn out brakes, slippery surface, rain या wet road. और यहां भी आप देख सकते हैं थिंकिंग डिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड व्हाइल ब्रेकिंग डिस्टेंस आप देख सकते हैं ऑन द ड्राई रोड इज मच लेस व्हाइल ऑन द वेट रोड ब्रेकिंग डिस्टेंस काफी ज्यादा है। और इसकी मैंने आपको एक रीजनिंग भी बताई थी दैट द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज मच लेस बिकॉज ऑफ द वॉटर इन बिटवीन एंड दैट इज व्हाई ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज फ्रिक्शन ही कोई नहीं है एंड इट कीप्स ऑन मूविंग। अच्छा पार्ट ए कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर द कार ऑन द वेट रोड। जैसे मैंने आपको बताया था स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू थिंकिंग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। और हमने किस रोड का निकालना है हमने इस रोड का निकालना है राइट। इस रोड का थिंकिंग डिस्टेंस क्या है इट इज 18 meters। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है इट इज 60 meters. So 18 plus 60 that will be equal to 78 meters. And that is the stopping distance. 78 meters. Part B. Complete the sentence. The thinking distance is the distance traveled between seeing a hazard and what? It is एंड स्टार्टिंग टू अप्लाई द ब्रेक्स। ये अभी मैं आपको बताता हूं कैसे स्टार्टिंग टू अप्लाई द ब्रेक्स।
जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि हमारी गाड़ी जा रही है एंड इस पॉइंट पे आके इस बंदे ने हैजर्ड डिटेक्ट कर लिया, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे रिएक्शन में हमेशा हमेशा एक डिले होता है एंड दैट इज नोन एज द रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे दैट विल बी द थिंकिंग डिस्टेंस। गाड़ी इधर तक पहुंच गई थी व्हेन द ड्राइवर एक्चुअली बिगेंस टू अप्लाई द ब्रेक्स, दैट इज वेयर ही स्टार्टेड टू अप्लाई द ब्रेक्स। सो या इट इज बिटवीन रिसीविंग द हैजर्ड एंड स्टार्टिंग टू अप्लाई द ब्रेक्स। पार्ट सी वन सजेस्ट व्हाई द थिंकिंग डिस्टेंस इज द सेम ऑन बोथ रोड्स, क्योंकि थिंकिंग डिस्टेंस और रोड कंडीशंस का कोई लेना देना ही नहीं है, इन दोनों का कोई ताल्लुकात ही नहीं है। रोड कंडीशन जिस चीज को चेंज करता है वो है ब्रेकिंग डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको यहां बताया था व्हाट कैन इफेक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस, कंडीशन ऑफ द रोड, यानी कि आइदर इट बी ड्राई और वेट इट विल इफेक्ट द ब्रेकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस को क्या इफेक्ट करता है? थिंकिंग डिस्टेंस को इफेक्ट करता है लैक ऑफ स्लीप, यानी कि अगर आपका रिएक्शन टाइम चैलेंज हो रहा है, अगर आपका रिएक्शन टाइम चेंज हो रहा है दैट विल इफेक्ट द थिंकिंग डिस्टेंस। अल्कोहल, अल्कोहल आपके रिएक्शन टाइम को चैलेंज करता है, देयर फोर इट कैन इफेक्ट द थिंकिंग डिस्टेंस। रोड कंडीशन तो इनमें से कहीं आता ही नहीं है, तो सजेस्ट वाई द थिंकिंग डिस्टेंस इज द सेम ऑन बोथ रोड्स, क्योंकि द टाइम टेकन टू रिएक्ट या थिंक रिमेन्स द सेम। आगे चलते हैं पार्ट सी टू, एक्सप्लेन व्हाई द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लार्जर व्हेन द रोड इज वेट। अच्छा अगेन मैं आपको एक और दफा ये समझा देता हूं। लेट्स से ये हमारा टायर है और ये रोड है। जब बारिश हुई होती है ना, ऑफ कोर्स रोड वेट होती है, सो देयर इज अ स्मॉल लेयर बिटवीन द टायर एंड द रोड, और ये लेयर किसकी होती है? ऑफ कोर्स पानी की होती है एंड द वॉटर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, राइट। आप इमेजिन करें आप वॉशरूम में जा रहे हैं, आप वॉशरूम में नंगे पैर जा रहे हैं एंड द सरफेस इज ड्राई, वॉशरूम का फर्श सूखा है, तो आपको ये डर नहीं होगा कि आप गिर जाओगे। लेकिन जिस वक्त फर्श गीला होता है ऑफ योर वॉशरूम, मार्बल की टाइल्स पे गीला फर्श हो, तो यू हैव यू नो यू आर स्केर्ड कि आप गिर जाओगे। सेम सीन विद दिस, समझ आई? सो एक्सप्लेन व्हाई द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लार्जर व्हेन द रोड इज वेट, द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज डिक्रीज्ड ड्यू टू द वॉटर, ठीक है ना, ड्यू टू द मॉइस्चर बिटवीन टायर एंड द रोड। देयरफॉर आपकी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन डिक्रीजेस ड्यू टू वॉटर बिटवीन टायर एंड रोड, देयरफॉर इट टेक्स लॉन्गर टू स्टॉप द कार, देयरफॉर द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज मोर। अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, पेपर टू, 2 मई जून 2020। फिगर 2.1 शोज द थिंकिंग डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस फॉर अ कार ड्रिवन एट 100 किलोमीटर एन आवर, द कार हैज ओल्ड स्मूथ टायर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि टायर्स शुड नॉट बी स्मूथ, टायर्स के पास रेड होती है, जैसे अगर आपका ये टायर है टायर के बीच में कोई डिजाइन होगा एंड दैट डिजाइन इज नोन एज ट्रेड्स,
and these are made for increased friction between the road and the tire. A. Calculate the total stopping distance for the car. Stopping distance was the thinking distance plus braking distance. Thinking distance है हमारे पास 21 meters. Braking distance है 75 meters. Therefore, it should be, I believe, 96 meters. As simple as that. 96 meters. Part B. The car is now fitted with new tires. At a speed greater than 100 kilometers an hour, the total stopping distance is the same as in A. मतलब हमारे पास जो stopping distance है, it is the same. 1. State and explain the effect that the increase in speed and the use of new tires have on the thinking distance. अब आप मुझे बताएं, does the increase between the tire and the road affect the thinking distance? ये आपको सिर्फ trap करने के लिए लिखा हुआ है. मैंने जैसे आपको बताया था कि braking distance will be affected by worn out tires, not thinking distance. Thinking distance effect ही नहीं होगा by worn out tires या by new tires. State and explain the effect that the increase in speed and the use of new tires have on the thinking distance. ठीक है ना? अब clearly हम देख सकते हैं that the speed is increasing, therefore the thinking distance will increase. और अगर आपको ये नहीं समझ आया, rewind, ठीक है ना? और देखो जहां मैंने आपको बताया था, the effects that can change thinking distance. यहां मैंने speed भी, high speed भी mention किया हुआ है. तो अगर आपको ये समझ नहीं आया, go back and watch that, ठीक है ना? Explanation क्या होगी, ठीक है ना? Explanation ये होगी, time will be unchanged, but the distance covered, या कह लो the speed will be faster. The distance covered will be greater. आगे चलते हैं. B2, state and explain the effect that the increase in speed and the new tires have on the braking distance. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम एक नया टायर लेते हैं, उसके ऊपर कुछ डिजाइन बने होते हैं और इस डिजाइन का नाम होता है ट्रेड. इस ट्रेड का मकसद क्या होता है? इस ट्रेड का मकसद होता है टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड. लेकिन जैसे जैसे हम इस टायर को यूज करते जाएंगे, ये जो ट्रेड है, इट विल स्टार्ट टू फेड आउट. ये मिटने लग जाता है, ये दबने लग जाता है और टायर आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन डिक्रीज होती है. तो अगर हम नया टायर लेंगे, द फ्रिक्शन विल इंक्रीज. समझ आ गई? और व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये हम देख लेते हैं यहां से. व्हाट कैन इफेक्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस? वोर्न आउट टायर्स. वोर्न आउट टायर्स क्या करते हैं? वोर्न आउट टायर्स increase the braking distance. What will new tires do? New tires will decrease the braking distance. Decrease the braking distance. Why? Because the friction between the tire and the road
will be high या higher. Why? Because of the treads. ठीक है ना. अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने आपको रिएक्शन टाइम बताया ना, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट बिफोर, दिस इज नॉट एक्चुअली नीडेड. ये मैंने बस आपको एक रेफरेंस के लिए बताया था कि आपको समझ आ जाए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ. ठीक है ना, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था. दिस विल नेवर कम इन हैंडी व्हेन सॉल्विंग द पास्ट पेपर्स. ठीक है. सो या दैट इज गोना बी इट फॉर द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. अगर आपने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, गो प्रे.